वेलकम टू माई चैनल मानशी व्लॉग्स। ये मेरा चैनल का पहला ऑर्गेनाइजिंग वीडियो है और आज का वीडियो है बाथरूम वॉश बेसिन ऑर्गेनाइजेशन वीडियो। इसमें आपको दिखाऊंगी मैं कि एक छोटे से वॉश बेसिन को आप कैसे छोटे छोटे सामान इधर उधर रख के इतना सुंदर और फ्रेश और ब्यूटिफुल बना सकते हैं। मेरा जो फ्लैट है वो रेंटेड फ्लैट है, तो मैं कितना भी चाहूँ उसमें काम करवाने का वो पॉसिबल नहीं है। तो मैं ट्राई करूँगी जो मेरे टिप्स हैं ट्रिक्स हैं वो इस हिसाब से हो कि अगर आप रेंटेड अपार्टमेंट में हो आप वो सामान आराम से यूज़ कर सकें और जब भी आप वो खाली करके जाएं घर तो वो सामान आप आराम से अपने साथ कैरी करके अपने नए घर में जाके भी उसको यूज़ कर सकें। तो मेरे वॉश बेसिन को मेकओवर देने के लिए मैंने जो सामान यूज़ किया है वो बहुत महंगे सामान नहीं हैं, नॉर्मल कॉस्टिंग सामान है। कुछ 200 के हैं, कुछ 400 के हैं। जो सबसे ज़्यादा महंगा है आई थिंक वो 400 का, 450 का ही है। तो आई हैव ट्राइड कि आई थिंक 1000 के अंडर ही है मेरे जो सारे सामान हैं। थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, मुझे एग्जैक्टली प्राइस याद नहीं है अभी। तो कम बजट में, स्मॉल बजट में मैंने ट्राई किया है बेस्ट लुक देने का अपने वॉश बेसिन को। तो जो मैं ये बता रही हूँ आपको कि 1000 या फिर उससे कम खर्चा है, तो ये मेरा एक्चुअली पर वॉश बेसिन, मतलब मेरा जो लिविंग एरिया वाला वॉश बेसिन है आई थिंक वो 1000 से थोड़ा प्लस माइनस होगा। और मेरा जो वॉश बेसिन का मेकओवर जो मैं मास्टर बेडरूम वाले बाथरूम में कर रही हूँ वो आई थिंक 600 में ही शायद हो जाएगा। देखिए थोड़ा प्लस माइनस होगा, मतलब मैं थोड़ा आइडिया दे रही हूँ आपको, डिपेंड करता है ये सब कुछ कि आप सेल में सामान ले रहे हो कि कब ले रहे हो। तो मेरे मोस्टली सामान सेल में खरीदे हुए हैं। आपको मेरे हर वीडियो पे एक चीज़ नोटिस होगा कि जो मैं डेकोरेशन करती हूँ, जो मेरा लिविंग स्पेस है, मुझे उसमें स्पेस बहुत पसंद है। जैसे मुझे ऐसा बहुत क्लटर्ड वाला कि मैं सब सामान डाल के ओवर वर्क कर दूँ या फिर ओवर डेकोरेट कर दूँ, मुझे वो पसंद नहीं है। मुझे ज़्यादा खुला खुला और ज़्यादा स्पेस वाला एरिया पसंद है मुझे, जहाँ पे लगे कि भाई मैं सांस ले पा रही हूँ। सबके अपने अपने चॉइसेस होते हैं, किसी को ज़्यादा सामान से डेकोरेट करना अच्छा लगता है, पर मेरे प्रेफरेंसेस रहते हैं कि मैं थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा रखूँ, सामान कम रखूँ। तो मेरे जितने भी आपको वीडियोस दिखेंगे डेकोरेशन से ऑर्गेनाइजिंग वीडियोस जो होंगे उसमें ज़्यादा ध्यान मेरा यही रहेगा कि कम से कम स्पेस यूज़ हो और ज़्यादा सुंदर दिखे वो एरिया, क्लटर्ड ना लगे बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ पहले कि मेरा सिंक एरिया, जो मेरे वॉश बेसिन के एरियाज हैं वो कैसे दिखते हैं। मेरे घर में दो बाथरूम है, एक जो वॉश बेसिन है वो मेरे ड्राइंग रूम से लग के, लिविंग रूम से लग के कॉमन वॉश बेसिन है, और दूसरा है मेरे मास्टर बेडरूम के बाथरूम में। तो ये दो वॉश बेसिन है, दोनों को ही मैं डिफरेंट तरीके से सजाऊंगी क्योंकि उनके स्पेसिफिकेशंस डिफरेंट हैं। तो मैं आपको एक बार दिखाती हूँ कि दोनों बाथरूम अभी दिखते कैसे हैं, फिर आपको दिखाऊंगी कि क्या सामान चाहिए, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मेकओवर के बाद कैसा लगता है। चलिए शुरू करते हैं। ये है मेरा पहला, ये मेरे ड्राइंग रूम से लग के है, लिविंग रूम से लग के है ये वाला एरिया मेरा वॉश बेसिन का। फिलहाल जो मेरे पास है यहाँ पे ये एक नॉर्मल ब्रश और टूथपेस्ट का स्टैंड है, जैसा मेरे ख्याल से मोस्टली सबके पास होता है। मैंने इसको हैंग नहीं किया है अभी क्योंकि यहाँ पे कहीं पे कील लगाने की जगह नहीं है, और क्योंकि आपको जैसे पता है कि ये रेंटेड घर है मेरा, तो मैं ज़्यादा कील वगैरह लगाना कम ही अवॉइड करती हूँ ज़्यादा लगाना। और यहाँ पे है मेरे कुछ बेसिक चीज़ें। तो ये है मेरा लिविंग रूम का जो वॉश बेसिन है ऐसा। चलिए आपको दिखाती हूँ मेरे मास्टर बेडरूम के वॉश बेसिन की क्या हालत है। तो ये है मेरा मास्टर बेडरूम का बाथरूम। ये जो आपकी चिड़ियों की आवाज़ सुन रहे हैं, चहचहाट सुन रहे हैं चिड़ियों की, वो है यहाँ पे एक मेरा डक्ट एरिया है, वहाँ पे खिड़की है उसमें से आती है।
तो ये है मेरा, वो डक्टेरिया मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, ये है मेरा मास्टर बेडरूम का वॉश बेसिन, ऐसे सामान यहाँ पर रखे हुए हैं मैंने। तो ये हैं प्रोडक्ट्स जो हम आज यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले ये है एक छोटा सा बास्केट, ये मैंने मुझे याद नहीं एग्जैक्टली बिग बास्केट से या फिर अमेजोन से शायद मंगाया था। ये है एक सुंदर सा, इसका मुझे ये चीज़ पसंद है कि ये जो कलर है ये थोड़ा ऑफ वाइट सा कलर है और इसके जो लेस जैसा वर्क है ये मुझे बहुत सुंदर लगता है, थोड़ा अच्छा सा सुंदर सा लुक देता है। ये पहला प्रोडक्ट है। ये है मेरा सेकेंड प्रोडक्ट, ये भी मेरा एक फेवरेट कलर है, आई थिंक ये लाइम या फिर ग्रीन का कोई एक शेड है, फ्लोरेसेंट ग्रीन आई थिंक। तो ये मेरे सेकेंड बाथरूम के लिए है क्योंकि वहाँ पे जो वॉश बेसिन के साइड का एरिया है बहुत कम है, तो ये वहाँ पे परफेक्टली ऐसे फिट बैठ जाएगा। ये ऐसा है, इसका भी मैंने सेट मंगाया था अमेजोन से, ऐसा दिखता है। फिर है मेरा ये कैंडल स्टैंड, ये नया नहीं है, ये एक मेरी मेमोरी है, ये जब मैं माउंट आबू गई थी अपने शादी के बाद घूमने के लिए, जब हम गुजरात में थे तो वहाँ से हम माउंट आबू गए थे, तो वहाँ पे एज अ सोवेनियर मैं ये लेके आई थी, तो ये मुझे बहुत सुंदर लगता है। और इसमें जो कैंडल है इसको शायद मैंने एक दो बार ही यूज़ किया है, वो मेल्टेड कैंडल तब से ही है, और ये ऐसे ही बड़ा सुंदर लुक देता है मेल्टेड कैंडल के साथ। कैंडल्स ज़्यादा यूज़ ही नहीं होते आजकल, तो ये ऐसे ही है। आपके घर में भी आई एम श्योर कुछ एक दो सामान ऐसे होंगे जो आपने कहीं पे साइड में रख दिया होगा, कुछ ऐसा लंबा सा तो जो थोड़ा आपके स्पेस को थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट शेप से थोड़ा वैरायटी दे, कोई ना कोई सामान आई एम श्योर आपके घर में होगा पुराना, तो ये उसमें से एक है। ये गेस करिए क्या है। ये मैंने इसको मैं यूज करने वाली हूँ टूथब्रश और टूथपेस्ट रखने के लिए एज अ स्टैंड, पर ये एक्चुअली है एक गमला, फूल का गमला। तो मुझे एक्चुअली जो मेरा ये है सोप डिस्पेंसर इससे मैच करता वो कुछ चाहिए था, लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं। तो मैं एक दिन मुझे प्लांट्स बहुत पसंद है, तो मैं प्लांट्स लेने गई थी, तो मुझे वहाँ पे ये प्लांटर मिला, तो मुझे क्लिक हुआ कि चलो इसको तो हम स्टैंड की तरह यूज़ करते हैं, और ये बिल्कुल मैच करता है मेरे सोप डिस्पेंसर के साथ। और इसमें एक होल भी है जैसे मोस्टली प्लांटर्स में होते हैं, तो जब आप टूथब्रश या टूथपेस्ट रखते हैं जो गीला होता है तो उसमें जो पानी होता है वो इस होल से निकल जाता है। तो ये है, ये मैंने नर्सरी से लिया था, आई थिंक ये 70 या 80 रुपीस का था। ये जैसे मैंने आपको दिखाया सोप डिस्पेंसर है, ये है, ये मेरा नया नहीं है, ये मैंने अमेजोन से मंगाया था, मुझे समहाउ इसका वाइट जो राउंड सा बॉल और जो डॉट्स हैं इसका जो लुक है मुझे बड़ा सुंदर लगा था, मुझे व्हाइट बहुत पसंद है। और सोप डिस्पेंसर और इससे जो टूथपेस्ट का टूथब्रश का स्टैंड है उससे मैच करता हुआ ये मेरा डिफ्यूज़र है, ये अरोमा डिफ्यूज़र है, ये इलेक्ट्रिक नहीं है, तो इसमें ऐसा टी लाइट कैंडल डालना पड़ता है, और इस एरिया में पानी और जो अरोमा ऑयल है उसके थोड़े से ड्रॉप्स डालो। इससे आपका ना ही सिर्फ लुक बढ़ता है बेसिन्स का, लेकिन जो खुशबू आती है वहाँ से पूरे दिन आपका वॉश बेसिन एरिया जो जनरली स्मेली होता है, थोड़ा स्टिंकी होता है, पूरे दिन आपका जो एरिया है पूरे दिन महकता रहता है। और एक और डिफ्यूज़र है मेरा, ये है इलेक्ट्रिक डिफ्यूज़र, इसमें ऐसे पीछे लाइट लगती है छोटी सी, मिर्ची लाइट बोलते हैं उसको, किसी भी स्टोर पर अवेलेबल होता है, ये भी मैंने अमेजोन से मंगाया था। ये मेरे पास दो हैं, एक मैं बाथरूम में यूज़ करने वाली हूँ और एक है मेरे ड्राइंग रूम में, वो मैं ड्राइंग रूम का जब टूर बनाऊंगी होम वीडियो का तो आप उसमें चेक कर सकते हैं। ये भी अमेजोन से लिया हुआ है। फिर से प्रोडक्ट मैं लिंक, जो प्रोडक्ट का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अभी ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये मेरे दोनों बाथरूम के लिए हैं, तो अगर मैं एक बाथरूम को एक वॉश बेसिन एरिया को डिफरेंट करूं, जैसे मैं इसको यूज़ करने वाली हूं, इसको और इसको यूज़ करने वाली हूं मास्टर बेडरूम के लिए, और ये जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं ये वाला, अच्छा मैं आपको ये दिखाना भूल गई, ये है फेरी लाइट्स। ये फेरी लाइट्स मेरे पास बहुत पुराना पड़ा हुआ था, मेरे पास दो तीन फेरी लाइट्स है, इसको फेरी लाइट्स बोलते हैं, दो तीन लाइट्स हैं, इनको मैं जनरली जहां मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा लाइट या फिर थोड़े शेड्स ऐड करने में ये करने हैं मैं वहां पे ये यूज करती हूँ। ये बहुत सुंदर लगती है, देखो यहाँ पे ये बैटरी ऑपरेटेड है ऐसा, ये भी मैंने अमेजोन से मंगाया था, आई थिंक लास्ट दिवाली मंगाया था, इसके लाइट्स अगर आपको दिख रहे हो अभी डे टाइम पे, तो
नहीं भी दिख रहे होंगे तो मैं जब लगाऊंगी वॉश बेसिन एरिया में आपको दिखाऊंगी मैं ये कैसा है। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये मैं यूज करने वाली हूँ, ये वाले प्रोडक्ट्स जो हैं यहाँ पे, ये वाले ये मैं यूज करने वाली हूँ हमारा मेरा जो लिविंग रूम या फिर कॉमन वॉश बेसिन है उसके लिए। और ये दो प्रोडक्ट्स हैं जो मैं यूज करने वाली हूँ मेरे मास्टर बेडरूम के वॉश बेसिन के लिए, क्योंकि वहाँ पे ज्यादा स्पेस नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं कलर्स ऐड करने वाली हूँ, मेरा फेवरेट जो है वो है प्लांट्स। इधर देखिए ये प्लांट्स, मेरे घर में बहुत प्लांट्स हैं तो मैं अभी फिलहाल ये वाले प्लांट्स यूज कर रही हूँ। मैं बीच बीच में जो मेरे वॉश बेसिन के एरियाज हैं वहाँ पे डिफरेंट प्लांट्स लगाती हूँ, डिफरेंट प्लांट्स चूज करती हूँ और ये बहुत ही सुंदर लुक देते हैं। आप प्लांट्स चेंज करिए, जो लुक है वो चेंज होता रहता है। तो आपके घर में भी आई एम श्योर कुछ ना कुछ छोटे प्लांटर्स ऐसे होंगे, इस तरह के प्लांटर्स होंगे। ये ऐसा दिखता है सामने से, बहुत सुंदर है ये वाला। फिर से देखिए दोनों व्हाइट में हैं, मुझे व्हाइट बहुत अच्छे लगते हैं और प्लांटर्स में व्हाइट इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि व्हाइट और जो ग्रीन और जो ये कलरफुल प्लांट्स के जो कॉम्बिनेशन होता है, जो थोड़ा कॉन्ट्रास्ट रहता है, वो बहुत सुंदर, उसमें प्लांट आपका और ज़्यादा उभर के आता है। तो मैं ये यूज करने वाली हूँ प्लांट इधर कैमरा इधर मास्टर बेडरूम के लिए, और मैं ये वाला प्लांट यूज करने वाली हूँ कॉमन एरिया के लिए। और ये एक आध हुक्स है मेरे पास, इन हुक्स से मैं टावल टांगने वाली हूँ क्योंकि यहाँ पे हम ड्रिल वगैरह नहीं कर सकते, वहाँ पे टाइल्स हैं और क्योंकि ये मेरा रेंटेड अपार्टमेंट है तो मैं ज़्यादा होल्स या ड्रिल्स करना नहीं चाहती। तो ये ऐसे आप सबके पास ही होंगे, ऐसे डबल साइडेड टेप होता है, उसको हुक चिपका दीजिए और इस पर टावल वगैरह टांग दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये सारा सामान मैं इधर लेके आ गई हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सिंपल है, सिर्फ सामान को डालना है इनमें बस। चलिए ये मैं यहाँ से हटाती हूँ, इसको रखते हैं फिलहाल इस साइड, वर्क एरिया बनाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे प्यारा, सबसे ब्यूटीफुल, मेरा फेवरेट प्लांटर जाएगा इधर। नेक्स्ट है मेरा कैंडल स्टैंड, इसमें हम कैंडल लगा के जला भी सकते हैं पर संभव मुझे एज अ शोपीस ही ज्यादा पसंद है। फिर है मेरा बुद्धा, वैसे बुद्धा का आपने देखा यहाँ पे एक छोटा सा पिंपल निकल आया है ये हो गया बुद्धा। ये अब सामने से देखिए कैसा दिखता है अभी फिलहाल। अभी इस पे हम लगाएंगे ये एलईडी लाइट्स। एलईडी लाइट्स का इसमें ये देखिए ऐसे कॉपर वायर आता है तो उसको आप कैसे भी फोल्ड करके लगा दीजिए। तो ये क्योंकि पानी से बचाना है तो मैंने इसके ऊपर टेप लगा दिया है और इसको मैं पीछे की तरफ रखूंगी जहां पे ज्यादा पानी ना गिरे, इसमें बैटरीज हैं इसलिए। तो इसको मैंने पीछे ऐसे ताकि दिखे भी ना और पानी से भी बच जाए। अभी हम इसको कैसे भी लगा सकते हैं, ये कैसे भी लगाओ ये बहुत सुंदर लगता है। फिलहाल मैं स्टिक पे हैंग करती हूँ थोड़े से। इसको ऐसे फोल्ड भी कर सकते हैं ऐसे कहीं पे भी, ये इतनी खास बात है इसके कॉपर वायर की, कैसे भी मोल्ड कर दो इसको कहीं पे भी, ये लो ऐसे शेप्स दे दो आप, ऐसे 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 करके शेप्स दे दो, आपको कुछ शेप्स देने हैं तो ऐसे। अब मैं आपको उसको ऑन करके दिखाती हूँ, थोड़ा सा स्पेस रखना पड़ेगा यहाँ पे ताकि इसको अंदर बाहर कर सके। ये देखिए ये ऑन कर दिया, मैं लाइट ऑफ करके दिखाती हूँ। ये देखिए इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, अब देखिए भाई रात को और भी सुंदर लगता है। अभी तो दिन का है तो थोड़ा बाहर से भी लाइट है। अभी हम करेंगे इस वाले साइड को, तो पहले मैं इसको हटा देती हूँ। टूथपेस्ट खत्म होने वाला है मेरा, हम इसको डालते हैं इस साइड ताकि यहाँ से लेने में इजी रहे। डियो मास्क, और अगर आप थोड़ा सामान आपका ज्यादा है तो आप थोड़ा बड़ा बास्केट भी ले सकते हैं। तो ये कर दिया मैंने यहाँ पे ये सेट।
तो दोनों साइड्स मेरे सेट हो गए हैं। पहले दूसरे बाथरूम को सेट करते हैं, फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। चलिए दूसरे बाथरूम में। तो ये है मेरा मास्टर बेडरूम का बाथरूम। तो यहाँ पे मैं सिर्फ ये तीन प्रोडक्ट्स यूज करने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सारा सामान एक करके हम इसमें डालते हैं। गुदर गुदर की आवाज आती हुई कबूतरों की। इसको मैं थोड़ा इस तरफ रखूंगी ताकि यहाँ से यूज करना इजी हो। तो ये फाइनल है। अब इसकी खास बात ये है कि ये देखिए, आप ऐसे उठाएंगे और नीचे साफ कर दीजिए। अच्छा, मेरा एक सामान रह गया, उसको डालती हूँ। वॉश बेसिन साफ करिए, इसको वापस रखती हूँ। तो अब जब साफ सफाई करते हैं ना, तो ये ऑर्गेनाइजिंग से बहुत ईजी हो जाता है आपको एरिया साफ करना। अभी मैं इसको पुश कर दूंगी। अभी कितना ऑर्गेनाइज लग रहा है पूरा साइड। अभी हम आते हैं दूसरी साइड में, इधर इधर इधर। ये बहुत सिंपल है। यहाँ पे हमने इसको इलेक्ट्रिक, इसको रख दूंगी। अब आप जब चूज करेंगे इलेक्ट्रिक या फिर लाइट वाला डिफ्यूजर, एक चीज का ध्यान रखिए कि आपके पास प्लग पॉइंट है कि नहीं है। अगर आपके पास प्लग पॉइंट है तो इलेक्ट्रिक डिफ्यूजर आप यूज कर सकते हैं। ऐसे मैंने यहाँ पे डाल दिया इसको। और अगर आपके पास प्लग पॉइंट नहीं है तो आप कैंडल वाला यूज कर सकते हैं। ये मैंने रख दिया पे मेरा सुंदर सा छोटू सा प्लग। तो ये हो गया मेरा इधर का बाथरूम का सेट। अभी मैं आपको दोनों बाथरूम दिखाती हूँ कि फाइनल लुक कैसा आता है। तो हम पहुँच गए हैं फाइनल मेकओवर दिखाने के लिए आपको। और मेरा जो बेसिन है ना, एक्चुअली इसके टैप्स में बहुत कैल्शियम डिपॉजिट है। दो मैंने ट्राई किया है काफ़ी इसको विनेगर वगैरह से साफ़ करने का, पर क्योंकि यहाँ पे हार्ड वाटर है तो ये इससे ज़्यादा साफ़ होता नहीं है। ये हो गया एक साइड, मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। ये हो गया दूसरा साइड, पीछे से पूरा दिखाती हूँ। मेरे सिंक में एक्चुअली जो ये शीशा है ना मिरर, ये मुझे बहुत सुंदर लगता है। इतना बड़ा शीशा है, ये देखिए दिखाती हूँ आपको, बिल्कुल ऊपर तक। और ये जो है ना, ये सिंक एरिया, कोई भी मिरर्स जो सिंक एरिया को है ना बहुत सुंदर बना देता है। तो ये फर्स्ट वाला मेकओवर है। चलिए अब आपको दिखाती हूँ सेकेंड वाले का हमने क्या किया है। चलिए, तो अभी मैं पहुँच गई हूँ अपने सेकेंड जो वॉश बेसिन है इधर। तो ये रहा मेरा प्लांटर, छोटू सा प्लांटर, मुझे बहुत सुंदर लगता है। और ये है वो डिफ्यूजर। अभी चलते हैं हमारा ऑर्गेनाइजर की तरफ। तो ये मेरा कंप्लीट लुक हो गया। हाँ, यहाँ पे मैं टॉवल नहीं भूलूंगी बताना आपको। ये जो हुक है मैंने यहाँ पे लगा दिया है। ये हो गया। और एक्चुअली मेरे इस बाथरूम में ना, ये जो मैं डक्ट एरिया बोल रही थी वो ये है, ये देखिए। तो ये जो बाथरूम में मेरे जो डक्ट एरिया है वो इधर है, और इसी वजह से, और ये जो डक्ट एरिया का बेस्ट पार्ट मुझे लगती है यहाँ पे ये जो विंडो है। तो इस विंडो में मैं जनरली प्लांट्स रखती रहती हूँ। और अभी फिलहाल मैंने मनी प्लांट रखा है, मैं प्लांट्स चेंज करती रहती हूँ। ये है मेरा कंप्लीट मेकओवर ऑफ माय सेकंड बाथरूम। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो, मेरे बाथरूम, दो बाथरूम के ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि मेरा बाथरूम महकता रहे, सुंदर लगे, लाइट्स हो, हरे भरे प्लांट्स हो। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिए इसको एक बार। आपके पास इतना बड़ा एरिया अगर नहीं है, छोटा एरिया है, छोटा पौधा लेके आएँ, छोटे लाइट्स के स्टैंड्स लेके आए, फेरी लाइट्स लेके आए, उसको आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, वो बहुत सुंदर लगते हैं। जैसे जो मेरा मिरर एरिया है ना, जो बड़ा मिरर है, आपके पास अगर ऐसा मिरर है या फिर कोई छोटा मिरर है, उसके चारों तरफ आप वो फेरी लाइट्स लगा दोगे तो वो बहुत सुंदर निकल के आएगा, बहुत सुंदर लगता है वो। और हाँ, जो सब कहते हैं वही मैं भी कह रही हूँ, मेरा नया चैनल है, आपका बहुत सारा प्यार चाहिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं और वीडियोस लेके आऊँ, अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजिंग वीडियोस, कुकिंग वीडियोस, ब्यूटी वीडियोस। और
मैं कैसे संभालती हूँ अपनी बेटी को। तो इस तरह के मेरे डेली रूटीन के वीडियोस हैं मेरे चैनल पे, यही वीडियोस आपको मिलेंगे जो मैं रोज़ करती हूँ, जो आप सब रोज़ करते हैं उस तरह के वीडियोस हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए आपको मेरा एरिया, जो वॉश बेसिन एरिया जो मैंने ऑर्गेनाइज़ किया वो कैसा लगा। और आपके अगर कुछ फीडबैक हैं कि मैं यहाँ पर और भी कुछ लगा सकती हूँ, इस एरिया को और थोड़ा डाल सकती हूँ कुछ सामान, तो वो भी ज़रूर बताइए। चलिए तो बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम। Keep beautifying your home and keep beautifying your life.